हेलो बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का एक चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटर, संधारित्र, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, किसी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। और उसके लिए हमने बताया था कि इसका उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बराबर सी वी होता है, सी जी को लू क्यू अपान वी होता है, ऐसा पूरी डिटेल हमने बताई थी। इसके लिए हम उस टॉपिक का लिंक इसमें दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो कैपेसिटेंस है, वो मान लिया 5 माइक्रोफेरड है, और 5 माइक्रोफेरड का ही कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझको किसी सर्किट में 10 माइक्रोफेरड चाहिए, 50 माइक्रोफेरड चाहिए, तो हम क्या करें, उसको कैसे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं? या तो हम 50 माइक्रोफेरेड का एक बड़ा सा कैपेसिटर बनाएं, या कई कैपेसिटर को जोड़ें। कैसे जोड़ें, सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में जोड़ें। अब ये भी हो सकता है कि भाई हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफेरेड का है और हमें 1 माइक्रोफेरेड चाहिए, और 5 से छोटा बन नहीं पा रहा है या बना नहीं है हमारे पास, तो कैसे जोड़ा जाए उसको? तो अब पहले से हम नहीं बता सकते कि कैसे जोड़ें उसको। पहला हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं इन सीरीज। तो सबसे पहले इसमें लिखना कैसे आपको होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब संधारित्र, संधारित्र का संयोजन, संधारित्र को जोड़ना, हर कैपेसिटर के दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ देते। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 कैपेसिटर लेता हूं। हमने कहा सपोज 3 कैपेसिटर हैं, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। इसमें क्या हुआ कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, और हमने क्या किया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो C3 है। इसके बाद हमने इसको चार्ज देना शुरू किया। हमने इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू, किसी भी माध्यम से हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर वाले पार्ट में माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, इसके बाहर प्लस क्यू आएगा जो यहां पहुंच जाएगा, तो यहां प्लस क्यू हो जाएगा, यहां माइनस क्यू हो जाएगा, इस वाले के बाहर प्लेट में माइनस क्यू होगा तो यहां प्लस क्यू होगा, तो यहां प्लस क्यू होगा, यहां माइनस क्यू होगा, और इसको हम अर से जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने यहां से चार्ज देना शुरू किया था। इसका पोटेंशियल V1 है इसकी प्लेट के बीच में, इसकी प्लेट का पोटेंशियल V2 है, और इसकी प्लेट का पोटेंशियल V3 है, और टोटल जो पोटेंशियल है वो V है। अप्रूव अपने आप सामने हो गया, अगर मैं V1 निकाल लूं, V2 निकाल लूं और V3 निकाल लूं, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि जो क्यू है वो सेम है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया है क्यू बराबर CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान C। तो सबसे पहले आप कहेंगे सपोज 3 कैपेसिटर्स हैविंग द कैपेसिटेंस C1, C2, C3 आर ज्वाइंड इन सीरीज। व्हाट इज द मेथड टू ज्वाइन इन सीरीज, देयर इज नो नीड टू राइट, यू हैव शोन इन द डायग्राम। प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एंड माइनस क्यू चार्ज इज डेवलप्ड बाई इंडक्शन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एंड द आउटर पार्ट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर बिकम्स द सेकेंड प्लेट बिकम्स प्लस क्यू, दैट ट्रांसफर टू द सेकेंड कैपेसिटर, एंड सो ऑन। सिमिलरली दिस विल डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस, एंड द लास्ट प्लेट ऑफ C3 इज कनेक्टेड टू द सेकेंड प्लेट ऑफ C3 कनेक्टेड टू द अर्थ। तो इस प्रकार से डायग्राम के बारे में लिख लेंगे। V1 is the potential difference between the plates of first capacitor, V2 in the second capacitor and V3 in the third capacitor. तो हम V2, V3 निकालते हैं। तो V1 कैसे निकलेगा, V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3. ये potential V1, V2, V3 निकला। हमने A और B के बीच में इन capacitor को जोड़ा है, तो अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी।
बिटवीन ए एंड बी। टोटल पोटेंशियल जब निकालेंगे V इज इक्वल टू तो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो आएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो V1 की वैल्यू क्या है, Q/C1 प्लस V2 क्या है, Q/C2 प्लस V3 क्या है, Q/C3। जब आप टोटल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आप टोटल चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, और टोटल चार्ज वही है जो आपने यहां से इसको दे रखा है प्लस क्यू, तो ये आएगा क्यू। और जब टोटल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस हमने मान लिया है सी, तो क्यू कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपने क्या देखा कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मतलब जो तुल्य संधारित की धारिता है उसका जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो अगर मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ तो सिंपल सी बात है, अगर इसका 5 माइक्रोफेरड है, इसका 5 माइक्रोफेरड है, इसका 5 माइक्रोफेरड है, और आप सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल 1/C इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 3/5, तो सी क्या हो जाएगा, 5/3 1 point something। यानी अगर आपके पास ज़्यादा माइक्रोफेरड के कैपेसिटर हैं और आपको कम की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, उनको सीरीज में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ते हैं। दूसरा तरीका होता है इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे कि भाई पहली प्लेट जो होती है कैपेसिटर की वो किसी एक पॉइंट से जोड़ दी जाती है और दूसरी प्लेट को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, इन पैरेलल। दूसरा है इसमें इन पैरेलल, समांतर क्रम इसको कहते हैं हिंदी में, समांतर क्रम। देखिए ध्यान से इसमें क्या करते हैं कि मान लिया तीन कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये हुआ, कैपेसिटर मतलब संधारित्र, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। इनकी पहली प्लेट को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट A से जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, और दूसरी प्लेट को दूसरे पॉइंट B से जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं A और B। अब चूंकि देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा दो पॉइंट के बीच का होता है। अब दो जितने भी कैपेसिटर हैं वो दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, वो सबके लिए सेम रहेगा। अब आपने क्या किया, यहां से प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया तो सिंपल सी बात है तीनों में बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, Q/3 जी नहीं, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज देता है। तो इसके इधर प्लेट में प्लस Q1 हो गया, इधर प्लेट में प्लस Q2 हो गया, इधर प्लेट में प्लस Q3 हो गया, टोटल कितना रहेगा प्लस Q, और इंडक्शन के कारण इधर माइनस Q1 हो जाएगा, इधर माइनस Q2 हो जाएगा, इधर माइनस Q3 हो जाएगा, और इसके बाहर प्लस होगा, और हमने इसको उठा के किससे जोड़ दिया, अर्थ से जोड़ दिया, इसको अर्थिंग दे दी जिससे बाहर का जो प्लस है वो बाहर चला जाए। हमने बताया भी था आपको कि कैपेसिटर में दूसरी प्लेट का मतलब क्या होता है, कैसे इसको जोड़ा जाता है। तो साफ साफ दिख रहा है मैं Q1 निकाल लूँ, Q2 निकाल लूँ, Q3 निकाल लूँ और सबको जोड़ेंगे तो प्लस Q आएगा, Q बराबर CV होता है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, V इज द सेम, सीरीज में क्या था Q वाज सेम, हियर V इज सेम, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। तो टोटल चार्ज के बारे में जब बात करेंगे कि टोटल आवेश कितना है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब टोटल चार्ज ले रहे हो तो टोटल C और टोटल पोटेंशियल ये क्या है, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से काट दो तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
तो आपने क्या देखा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मतलब अगर मैं मान लूं कि इसका दो है, तीन है और चार है, या माने तीन 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 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर है और तीनों को आपने पैरेलल में जोड़ा तो 3+3+3 यानी 9 माइक्रोफेरेड हो गया। यानी अगर मुझे ज़्यादा माइक्रोफेरेड, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उनको पैरेलल में जोड़ दूंगा। तो ये तरीका है इनको जोड़ने का, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो होता क्या है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि चार्ज करने में हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब उसको डिस्चार्ज करते हैं, अनावेशित करते हैं, निरावेशित करते हैं, तो वही एनर्जी हमको ट्रांसफर होकर के हीट के फॉर्म में मिलती है। तो बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैसे एनर्जी उसमें स्टोर होती है, जरा समझिएगा। और एनर्जी स्टोर कैसे होती है, क्यों होती है भाई, क्या कारण है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और हमें वर्क क्यों करना पड़ता है। भाई हमने इसको चार्ज किया तो एक बहुत ही सज्जनता से इसको चार्ज हो जाना चाहिए। जरा देखिए, जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो, आपने प्लस क्यू चार्ज दिया किसी एक प्लेट पे, जब दूसरा प्लस क्यू करोगे तो पहला प्लस क्यू क्या करेगा, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, उसको रिपेल करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा कि भाई आप यहाँ क्यों आ रहे, और हमें तो वहीं उसको चार्ज को बैठाना है, तो हमको धक्का मार के उसको बैठाना पड़ेगा, तो हमको प्रेशर लगा लगा करके चार्ज को उसमें ठूंसना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, तो हमें वर्क करना पड़ता है, यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, देखिए ध्यान से जरा समझिएगा। हम जा रहे हैं चार्ज करने किसी कैपेसिटर को और हम देखेंगे कि हमको उसको चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ा। हमने कहा कि सपोज कोई कैपेसिटर है, हमने मान लिया कि लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी, एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंसी है और हमने उसको कोई जनरल चार्ज क्यू डैश दिया, लेट क्यू डैश चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर, टू द कैपेसिटर। अब जब आप चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल कुछ होगा एंड वी डैश इज इट्स पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल होगा। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में आप जानते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि माना एक संधारित्र है, उसकी धारिता सी है और उसको क्यू डैश चार्ज दिया गया, उसका जो विभव है वो वी डैश हो गया। तो वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डैश अपान सी। अब आप उसको चार्ज देना चाहते हैं, हमने माना कि उसको हमने डी क्यू चार्ज दिया, वेरी स्मॉल, अब और चार्ज दे रहे हैं, लेट व्हेन फर्दर डी क्यू चार्ज इज गिवन, गिवन देन द वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क बराबर क्या होता है, वी इंटू क्यू। तो वी पहले से क्या था, वी डैश, और चार्ज कितना दिया आपने, डी क्यू। वी डैश की वैल्यू क्या है, क्यू डैश अपान सी इंटू डी क्यू, ये आपने स्मॉल वर्क इसमें किया। अब क्या करें आप इसको, आपको टोटल चार्ज कितना देना है, क्यू, व्हेन चार्ज क्यू इज गिवन, भाई आपने तरीका मालूम है, आपको माले वर्क निकालना है, आप छोटा सा चार्ज देते हैं, आपने कहा इतना वर्क करना पड़ा, टोटल चार्ज दे देते हैं, तो उस पहले वाले वर्क को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो व्हेन चार्ज क्यू
इज गिवेन टू द कैपेसिटर, गिवेन टू द कैपेसिटर, देन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज गिवेन बाई, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मेथड्स आपको मालूम है इंटीग्रेट करने का, समाकलन करना है इसका, अभी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, ना पढ़ा हो तो आगे पढ़ेंगे। तो टोटल वर्क डन जब करेंगे तो इस स्मॉल वर्क को आप इंटीग्रेट कर देंगे, एक सेकंड जरा, और चूंकि आपका जो चार्ज है वो जीरो से लेकर के क्यू तक है तो इसके बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो जीरो टू क्यू, और डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू क्यू। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं इंटीग्रल, अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और केवल dx लिख रहे हैं, केवल dx है, कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो इसका इंटीग्रल x होता है। लेकिन अगर मान लिया आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहां x टू पावर n आ जाएगा तो इसका इंटीग्रल होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां चूंकि q डैश की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रल होगा q डैश टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसलिए q स्क्वायर बाय 2 हुआ है। ये 1 बाय 2 बाहर कर दो, और लिमिट का तरीका होता है पहले q डैश जगह q रख दो तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और फिर रख दो 0, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ q स्क्वायर या q स्क्वायर बाई 2c। तो ये वर्क हो गया, और आप जानते हैं यही जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। एक तो ये फार्मूला आपको बना, एज Q बराबर सी वी होता है सो एक U का फार्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है किसी कैपेसिटर की एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। एक कुछ बातें आप समझ लीजिए, जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा एक नोट है यहां पर कि अगर कैपेसिटर के अंदर एयर है तब उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब उस पे एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ध्यान से, एक नोट लिख लीजिएगा, इफ देयर इज एयर, देयर इज एयर, एयर बोले तो वैक्यूम, एयर को वैक्यूम मान लिया जाता है, वैसे वैक्यूम होता नहीं है लेकिन चूंकि एयर की जो नॉन कंडक्टर के काम करती है इसलिए उसको वैक्यूम मान लिया जाता है। इफ देयर इज एयर बिटवीन द कैपेसिटर, बिटवीन द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लिख दीजिए आप, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, उसका नाम दे दो यू नॉट, यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, हमने एयर के लिए मान लिया ठीक। अब आपने क्या किया कि कैपेसिटर के अंदर कोई डायलेक्ट्रिक भर दिया, एक माइका की शीट रख दी, माइका रख दिया, उसमें जल डाल, पानी डाल दिया, उसमें एक कांच रख दिया। अब कह रहे हैं इफ देयर इज ए मीडियम, इफ देयर इज एनी मीडियम विद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, डायलेक्ट्रिक के, अगर डायलेक्ट्रिक के का कोई मीडियम है देन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, हमने उसका नाम दे दिया U इज इक्वल टू हाफ, बदलेगा क्या उसकी कैपेसिटेंस बदलेगी, V नहीं बदलेगी, V वही रहेगी, V नॉट स्क्वायर। V तभी बदलेगी जब आप बैटरी हटा देंगे, अगर बैटरी नहीं हटाते हैं तो V सेम रहेगा, V चेंज नहीं होगा। देखिए अब C की वैल्यू आप क्या होती है आप जानते हैं, एज मीडियम में और वैक्यूम में रेशियो क्या होता है के, और सी की वैल्यू क्या होगी के सी नॉट, तो यहां क्या रख दीजिए के सी नॉट। सो
u इज इक्वल टू हाफ के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, यही क्वेश्चन नंबर टू हो गया। वन टू को डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो आएगा u अप नॉट अपान u इज इक्वल टू, जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपान हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, यानी u नॉट अपान u इज इक्वल टू वन अपान के, u इज u नॉट बराबर u अपान के, यानी कि जब आप, या यूं कहिए u इज इक्वल टू के यू नॉट, यानी आपने क्या देखा कि मीडियम बढ़ जाने पर अगर हम कोई डायरेक्ट कॉन्स्टेंट रख देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये पहला केस यहां पर है। अब अगर बैटरी आप हटा लेते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल उसका चेंज हो जाता है, यानी यहां बैटरी लगी हुई है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, पहले केस में तो बैटरी इज अटैच्ड विद द कैपेसिटर, अगर बैटरी आप हटा लेते तब क्या होगा। अब देखिए पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में हमने कहा भाई बैटरी उसमें लगी हुई है, बैटरी लगने से क्या होता है, उसका तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अब आपने क्या किया, बैटरी से उस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर द बैटरी इज रिमूव्ड। अब बैटरी जब रिमूव कर दी तो जितने कूलाम का चार्ज बैटरी को देना था वो कैपेसिटर को दे दिया। अब कह रहा है इफ देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वही लैंग्वेज है पूरी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U नॉट होगी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपान सी नॉट। अब मैं पोटेंशियल की बात नहीं करूंगा क्योंकि पोटेंशियल यहां चेंज होता रहेगा, अब मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। पहले केस में क्या था, पोटेंशियल सेम था, वो नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि बैटरी लगी हुई थी। अब जब आपने मीडियम रख दिया तो क्यू नॉट तो चेंज नहीं होगा, तो हो गया हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपान सी, और सी अपान सी नॉट क्या होता है के, तो सी की वैल्यू क्या होगी, के सी नॉट, इस सी की वैल्यू यहां रख दी तो यू बराबर हो गया हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपान के सी नॉट। ये वैक्यूम के लिए था, ये मीडियम के लिए था, दोनों को डिवाइड कर दिया तो u नॉट अपान u इज इक्वल टू के, u बराबर u नॉट अपान के। जब एयर के एनर्जी को k से डिवाइड किया तब मीडियम की एनर्जी आई, यानी अगर आप बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, बैटरी को चालू रखेंगे तो एनर्जी वही रहेगी। यानी कि अगर किचन से मम्मी निकल आई तो उसमें तो 20 रोटी बना के रखी थी, चार्ज 20 कूलाम का था तो 20 ही रहेंगी, और उसमें मीडियम भी आ गया कोई, तब तो एनर्जी वहां की कम हो जाएगी ना, क्योंकि रोटियां बढ़ेंगी नहीं। पहले केस में क्या था कि किचन चालू था, उसका पोटेंशियल मेंटेन था, जितना चार्ज जरूरत थी वो आपको मिलता रहता था, पोटेंशियल मेंटेन था वहां, एनर्जी मेंटेन थी, ठीक है। तो दोनों केस हैं, अगर बैटरी लगी रहने देते हैं और कोई डायलेक्ट्रिक उसमें लगा देते हैं तो एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, और अगर आप बैटरी को निकाल लेते हैं और उसके बाद कोई मीडियम रखते हैं तो एनर्जी उसकी घट जाती है। तो ये टॉपिक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।